हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में, जिसमें हम लेके आए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में आके काफ़ी सारी गलतियाँ करते हैं। सो उन सब टॉपिक्स पे आज का वीडियो होने वाला है। सबसे पहले हम इंजीनियरिंग करिकुलम की बात करें, सो ये आपका टोटल करिकुलम रहता है। सबसे पहले ये इंडक्शन प्रोग्राम से स्टार्ट होता है। जैसे कि आपको पता ही कि आपका इंडक्शन प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। इसके बाद आता है कोर सब्जेक्ट्स लर्निंग, जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रहते हैं उनकी पढ़ाई आती है। फिर प्रैक्टिकल और वाइवा आते हैं, जो हर सेमेस्टर के एंड में आता है। उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन देना रहता है, इंटर्नशिप करनी रहती है। फिर आपका प्लेसमेंट आता है, जिसमें आपको जॉब ऑफर होती है, वो मोस्ट ऑफ 8th सेमेस्टर में और 4th ईयर के एंड में आपका प्लेसमेंट मिल जाता है। और सबसे लास्ट में आपका आता है कॉन्वोकेशन प्रोग्राम। ये आपका ओवरऑल इंजीनियरिंग करिकुलम है। अगर हम सबसे पहले बात करें कि आपको क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो सबसे पहले मैं इस पे ही फोकस करना चाहता हूँ, डोंट क्रेम द सब्जेक्ट्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये गलतियाँ करते हैं कि वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट्स क्रेम कर लेते हैं। मतलब कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट्स एक वीक में पढ़ लेते हैं, और ये सिर्फ टेम्पररी मेमोरी में ही स्टोर होता है आपके माइंड में। सो ऐसा कभी मत करना कि आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट्स क्रेम कर लो, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका आगे चल के इसमें कुछ भी आपको याद नहीं रहता है। सो सपोज मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्यूटर स्टूडेंट में प्रोग्रामिंग में आता है सी लैंग्वेज, उसका प्लेसमेंट में भी काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है। अगर वो आपने सी लैंग्वेज क्रैम किया होगा तो आपको प्लेसमेंट में कुछ भी याद नहीं आएगा, क्योंकि वो तो लास्ट ईयर में रहता है और आपका सी लैंग्वेज तो आता है फर्स्ट ईयर में। सो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी सब्जेक्ट को क्रैम मत करना, ये आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस डाउन ले जाएगा। और मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट केयरफुली और प्रॉपरली रीड करोगे। सो ऐसा कुछ भी इंजीनियरिंग में हार्ड नहीं है, आपको इजीली वो सब याद रह जाएगा, और कभी भी उसको क्रैम करने की गलती मत करना। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि डोंट कॉपी योर प्रैक्टिकल एंड असाइनमेंट। प्रैक्टिकल और असाइनमेंट इसलिए होते हैं कि आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ जाए, वो आपका परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक बढ़ा देती है। क्योंकि असाइनमेंट में वही सारे क्वेश्चंस होते हैं जो लास्ट साल के एग्जाम में आते हैं या यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आता है, और प्रैक्टिकल में वही रहता है कि जो प्लेसमेंट में आपको प्रैक्टिकल करना रहता है वही प्रैक्टिकल आपका सेमेस्टर के दौरान में आएगा। सो कभी भी इसकी कॉपी दूसरे से मत करना। डू योर प्रैक्टिकल एंड असाइनमेंट बाय योर ओन। आप खुद का ही असाइनमेंट करना, किसी दूसरे का असाइनमेंट लेके उसकी कॉपी मत करना। और जो कुछ भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, असाइनमेंट कर रहे हो, वो अपने आप से ही लिखना। और लास्ट में जो कंक्लूजन आता है वो तो अपना आप खुद ही लिखना, क्योंकि उससे आपकी इंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी आपके फैकल्टी के सामने, आपके डिपार्टमेंट में अभी आपकी इंप्रेशन काफ़ी बढ़ेगी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो कॉलेज के लेक्चर्स के अलावा ऑनलाइन NPTEL करके भी एक वेबसाइट है, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। NPTEL एक ऐसा वेबसाइट है कि जिसमें IIT की पूरी फैकल्टी आती है, वही आपका पूरा कोर्स लेती है। सो आपको IIT के प्रोफेसर से स्टडी करने को मिलेगा, सो उसके भी वीडियो लेक्चर करना। और अगर आपको लैब में जाने की दिक्कत हो रही है अभी लॉकडाउन जैसा है, सो IIT ने वर्चुअल लैब भी ऑफर की हुई है। उसमें पूरा का पूरा लैब का मटेरियल रहता है, पूरी की पूरी वर्चुअल लैब रहती है। सो आप वहाँ पर जाके भी अपने प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हो। आगे मैं बताना चाहता हूँ कि डोंट स्किप योर कोर सब्जेक्ट्स। अब कोर सब्जेक्ट उसको बोलते हैं कि जिसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा रहती है, उसके क्रेडिट भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। मैं अगर एग्जांपल दूँ कि कंप्यूटर और IT स्टूडेंट्स के लिए एल्गोरिदम रहता है, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स कोर सब्जेक्ट्स रहते हैं। और मैं कम क्रेडिट वाले सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स जैसे कि प्रोफेशनल एथिक्स रहता है, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल रहता है, ये काफ़ी हद तक लो क्रेडिट रहता है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आपका कोर सब्जेक्ट्स रहता है, हाई क्रेडिट सब्जेक्ट्स रहता है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स ही है कि जो जिस पे आगे चल के आपको प्लेसमेंट में क्वेश्चंस आएंगे, प्लेसमेंट में भी काम में आएंगे। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इनमें से कोई भी एक या दो सब्जेक्ट्स को स्किप कर देते हैं, बट ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रहते हैं, इवन आपके प्लेसमेंट और आपके एग्जाम में भी कोर सब्जेक्ट्स फ्रीक्वेंटली उसमें से क्वेश्चंस आते हैं हर एग्जाम में। सो ये गलती कभी मत करना कि आपने जो कोर सब्जेक्ट्स है उसको स्किप कर दिया। आगे मैं बताना चाहता हूँ कि डोंट यूज लोकल पब्लिकेशन बुक। सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा कि लोकल पब्लिकेशन बुक कहते किसको है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आपकी एग्जाम आती है, सो आप मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं कि पास से स्टेशनरी में जाके जो लोकल पब्लिकेशन की बुक है वही परचेस करते हैं। उसमें कट टू कट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जो भी पिछले साल के एग्जाम में आया होता है वही उसमें छपा रहता है, और सभी इम्पोर्टेंट
और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में, तो ज़्यादातर स्टूडेंट यही बुक परचेस करते हैं। बट मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोकल पब्लिकेशन की जगह पे रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी सारा बेनिफिट मिल सकता है, काफ़ी हद तक ज़्यादा, क्योंकि लोकल पब्लिकेशन में सिर्फ कट टू कट ही इंफॉर्मेशन रहती है, जबकि रेफरेंस बुक में पूरा का पूरा डीप नॉलेज रहता है, पूरी की पूरी थियरी आपको एक्सप्लेन की हुई होती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपका कोई भी एक सब्जेक्ट से, सपोज डेटा साइंस सब्जेक्ट्स ले ले कंप्यूटर साइंस में, सो डेटा साइंस में सिर्फ 10 चैप्टर है जो GTO की वेबसाइट में है, तो वो 10 चैप्टर ही आपके लोकल बुक में होंगे। बट अगर आप रेफरेंस बुक यूज़ करोगे तो पूरा का पूरा डेटा साइंस सब्जेक्ट्स उसमें होगा। सो मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप लोकल बुक की बजाय रेफरेंस बुक का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। हाँ, ये बात रहती है कि रेफरेंस बुक काफ़ी महंगी आती है, बट मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि आपकी कॉलेज की लाइब्रेरी में सभी की सभी रेफरेंस बुक अवेलेबल है। सो आप लाइब्रेरी में जाके उस बुक को ले सकते हैं, उस बुक को इश्यू करवा सकते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप लोकल पब्लिकेशन की बुक यूज़ करोगे सो उसमें आपको टेम्पररी नॉलेज और थोड़ा सा ही नॉलेज उसमें आपको मिलेगा। आगे मैं ये बताना चाहता हूँ, डोंट वेस्ट योर टाइम इन सोशल मीडिया। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि कॉलेज आके पूरा दिन फ़ोन में ही लगे रहते हैं। अगर कॉलेज में आपको फ़ोन करने ही जाना है तो आपने इंजीनियरिंग क्यों पसंद किया? आप कॉलेज में जाके सिर्फ यही टारगेट कीजिएगा कि आप पूरा का पूरा फोकस स्टडी पे ही लगाए। स्टूडेंट क्या करते हैं कि कॉलेज में जाते हैं, कैंटीन में बैठते हैं, टाइम पास करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसमें ही उसके 4 साल निकल जाते हैं, वो पता ही नहीं चलता है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम यूजिंग सोशल मीडिया। वो ज़्यादातर कैंटीन में बैठे रहते हैं, पूरा टाइम लेक्चर बंक करते रहते हैं और कहीं इधर उधर जाते हैं घूमने के लिए। बट कॉलेज आए तो लेक्चर ठीक से अटेंड कीजिएगा, बाकी के ब्रेक के टाइम में आपको जो करना है वो कर सकते हैं, बट जो लेक्चर का टाइम होता है उस लेक्चर में ही पूरा फोकस कीजिएगा। दूसरा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप टाइम वेस्ट करते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक करते हैं, सो मैं बताना चाहता हूँ कि उन टाइम में सपोज आपने 10 मिनट इंस्टाग्राम किया, उसके अलावा 10 मिनट यूट्यूब पे कोई भी एक इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियो देख लीजिएगा। सपोज आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हैं तो आप 10 मिनट कोई भी एक सी प्रोग्राम सीख सकते हैं। आगे ये बताना चाहता हूँ कि डोंट बंक योर लेक्चर्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं और जो गवर्नमेंट कॉलेज में रहते हैं स्पेशली, उसमें वो स्टूडेंट्स कॉलेज जाते हैं और कॉलेज में लेक्चर बंक करते हैं, उसको लेक्चर अच्छा नहीं लगता, फैकल्टी पसंद नहीं है, और काफ़ी सारे ऐसे बहाने निकालते हैं कि जिससे वो लेक्चर बंक कर पाए। बट ऐसा कभी मत कीजिएगा, डोंट बंक योर लेक्चर का, उससे आपकी इंप्रेशन तो डाउन होगी और दूसरा उसमें आपको कुछ भी आएगा नहीं। इंजीनियरिंग में ऐसा रहता है कि पूरा का पूरा टोटली सब्जेक्ट्स का आवर डिवाइडेड रहता है कि 6 आवर में पहला चैप्टर आपको कंप्लीट करना ही रहता है। सो फैकल्टी 6 आवर या उससे भी कम टाइम में वो चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट कर ही देते हैं। सो अगर आपने एक लेक्चर मिस किया तो आप समझो कि आपने काफ़ी सारा पढ़ाई में मिस कर दिया। सो कभी भी लेक्चर बंक मत करना, और जब भी आप क्लास में बैठे हो तो पूरा का पूरा फोकस स्टडी पे ही लगाना, आपका माइंड कहीं दूसरे जगह पे डाइवर्ट मत होने देना। आगे मैं बताना चाहता हूँ कि डोंट वेस्ट योर मनी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इंजीनियरिंग में पढ़ाई तो करते हैं कॉलेज में, फिर दूसरे कोचिंग क्लास ज्वाइन करते हैं। कोचिंग क्लास में बिल्कुल भी पैसा देने जैसा नहीं है। काफ़ी सारे कोचिंग क्लासेस ऐसे, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि जिससे आपको उसमें एडमिशन लेने का मन होता है। बट मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि गूगल और YouTube हैज़ एवरी थिंग, उसमें सब कुछ है जो कोचिंग क्लास के पास नहीं है। कोचिंग क्लास में अगर आप सीखने जाओगे सो आपको थोड़ा सा ही नॉलेज मिलेगा, बट YouTube और Google के पास तो नॉलेज ऑफ ओशन है। उसमें इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है कि जो कोचिंग क्लास वाले कभी भी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं बताना चाहता हूँ कि कोचिंग क्लास आप ज्वाइन ही मत कीजिएगा, बट पहले रिसर्च कीजिए कि आपको कोचिंग क्लास में जाना है या यूट्यूब से भी आप सीख सकते हो। सो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ऑनलाइन समझ में आता हो तो फिर आप कोचिंग क्लास ज्वाइन मत कीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुलाइए, आप वहाँ पे कमेंट करके डाल दीजिएगा। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़, अभी काफ़ी सारे मज़ेदार वीडियोज़ आने वाले हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। इफ यू लाइक माई वीडियो देन हिट दैट लाइक बटन, एंड इफ यू हैव एनी कमेंट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।